थैंक यू, जहां पर आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में बीते काफी लंबे समय से अभी गर्मी का सितम जारी था, 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर लगातार बना हुआ था, लेकिन आज राहत की सांस राजस्थान की जनता को मिलती भी नजर आई है। जयपुर कोटा सहित 7 संभागों के 21 जिले ऐसे हैं जहां पर सुबह से बादल मंडराए हुए नजर आए, और इन्हीं बादलों के चलते हुए ठंडी हवा भी राजस्थान के अंदर चलती भी नजर आई है। यह हवा की रफ्तार 35 से 40 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार देखने को मिली है, और इसी के चलते हुए राजस्थान में मौसम में परिवर्तन हो चुका है। कहां कहां पर राजस्थान में मौसम में परिवर्तन है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, इन सभी की जानकारी सीधा आप सभी को रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत राहत भरी रही है। जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर समेत लगभग सभी संभाग के 20 से ज्यादा जिलों में आज सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से सटे जैसलमेर जिले में रात जबरदस्त डस्ट स्टॉर्म चलने से जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। इस अंधड़ के कारण विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग के किले के पत्थर भी गिर गए। वहीं जिले में कई जगह पेड़, बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर गिरने से लाइट की सप्लाई बंद हो गई है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसलमेर जिले में बीती रात 50 से 60 किलोमीटर स्पीड से अंधड़ चला। अंधड़ इतना जबरदस्त था कि सोनार दुर्ग हवा प्रोल पर लगे पत्थर टूट करके नीचे गिर गए। इस अंधड़ से दुर्ग को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन तो अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इस जिले में जगह जगह सुबह पेड़ और बिजली के पोल झुके और टूटे हुए दिखाई दिए हैं। कई जगह ट्रांसफार्मर समेत पूरा खंभा जमीन पर गिरा हुआ था, तो अचानक आई इस आपदा के बाद जैसलमेर जिले के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई।